ये लो, ये पूरे 20,000 हैं। इसके बाद अब मैं तुम्हें कुछ और नहीं दे पाऊंगी। आज पैसे नहीं, आज कुछ और चाहिए। तेरा और दूध वाले का चक्कर कब से चल रहा है? नहीं मम्मी जी, मैं पिछले एक हफ्ते से नोटिस कर रही हूँ। तू यहाँ आती है दूध लेने और यही चिपक जाती है, और घर से ना सामान भी गायब हो रहा है, जो इस दूध वाले के आने से पहले तो होता है लेकिन इसके जाते ही गायब हो जाता है। नहीं मम्मी जी, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। बस मुझे सब समझ में आता है। कल तूने इसको अंगूठी भी दी थी ना? कैसे पता चला? वो अंगूठी जिस सुनार को ये बेचने गया था ना, उसी सुनार से वो अंगूठी मैंने तेरे लिए बनवाई थी, और वो हमारा अच्छा जानकार भी है। उसका मुझे फोन आया कि एक दूध वाला ये अंगूठी लेके आया है, और तब मेरा शक ना यकीन में बदल गया। मम्मी जी हाँ, ये बात सच है कि मैंने इसे वो रिंग दी थी, लेकिन इसलिए नहीं दी थी कि मेरे इसके साथ कोई चक्कर चल रहा है, बल्कि इसलिए दी थी क्योंकि ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। ब्लैकमेल कर रहा है मतलब? अरे यार तू घबरा क्यों रही है? किसी को कुछ नहीं पता चलेगा तेरे ससुराल में। पागल हो गए हो क्या? मेरे ससुराल में खड़े होके मुझसे ये सब कुछ बोल रहे हो? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, हम दोनों सब कुछ छुपके करेंगे। बकवास बंद करो और यहाँ से निकल जाओ। किसी को पता चल गया ना तो क्या रेपुटेशन रह जाएगी मेरी? ऐसे तो मैं कहीं नहीं जाने वाला। मैंने कहा यहाँ से निकल। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी बहू को ब्लैकमेल करेगा? सब एक तो आपकी बहू का चक्कर कहीं और चल रहा है, और आप हमी को थप्पड़ मार रही हैं। ये क्या बोल रहा है ये सब? नहीं मम्मी जी, ऐसा कुछ है ही नहीं। वो बस मेरा कॉलेज का दोस्त है जो मेरे साथ उस दिन खड़ा होके जबरदस्ती कर रहा था, और ये वहाँ पे खड़ा होके वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। बल्कि मैंने तो उस लड़के को ये भी बोला था कि मेरी शादी हो चुकी है और मैं उसके साथ कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करूंगी। मैं कसम खा के बोलती हूँ मम्मी जी, मेरा उसके साथ कोई चक्कर नहीं है। अगर तेरा चक्कर नहीं चल रहा तो तू इससे ब्लैकमेल क्यों हो रही थी? मम्मी जी क्योंकि मैं डर गई थी। अभी तो बस मैं इसके साथ खड़ी होकर बात कर रही थी, और आपको लगने लग गया कि मेरा शायद इसके साथ चक्कर है। और अगर मैं आपको वो वाली बात बता देती तो पता नहीं मेरी इमेज आप लोगों की नजर में क्या बन जाती। बस उसी डर के कारण मैं आपको कुछ भी नहीं बता पाई। आई एम सॉरी बहू, मुझे तुझ पे यकीन करना चाहिए था। अगर मैं तेरे पे जरा भी भरोसा करती ना तो आज तू इस चंदू के चक्कर में ना पड़ती। पर हाँ बेटा, जब हम कोई सच छुपाते हैं ना तो सच को छुपाने के लिए हमें 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, और वो 100 झूठ ना आपके सच को भी झूठ बना देते हैं। और तू जितने पैसे मेरी बहू से तूने लिए हैं ना, वो सारे पैसे इसको वापस करेगा, नहीं तो ना ब्लैकमेलिंग का इल्जाम लगा के तुझे मैं जेल करवा दूंगी। नहीं नहीं, मैं समझ गया, मैं अभी सब लेके आता हूँ, मैं ला के देता हूँ। सॉरी मम्मी जी, आइंदा से मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी। आई एम सॉरी टू बेटा। दोस्तों गलती हर इंसान करता है, लेकिन हमें उस गलती को छुपाने के लिए झूठ कभी भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उस झूठ को छुपाने के लिए फिर हमें 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं। आपको अगर हमारी इस वीडियो का मैसेज अच्छा लगा हो तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, और हाँ हमारी इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।